5, 4, 3. Hello? Ha ha, very funny. Hank, quit screwing around. You told me yourself not to screw around. Hank! अरे क्या हुआ? Oh! Janet! Oh! Oh shit! Nice! He got killed over here. Don't joke around. Bring me up. Let's go. Guys! So damn. You're stuck in the continental. Interesting. अब जो आगे की वीडियोस हैं वो YouTube पे अवेलेबल नहीं है. तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजी थी. वो दिखाऊं स्क्रीन रिकॉर्डिंग. हाँ. ये उसकी क्वांटम मैन है वो जो वो थी. ये 5 साल बाद का टाइम चल रहा है. क्वांटम क्या है? जो क्वांटम टनल नहीं थी वो कहते हैं क्वांटम टनल को छोटी करनी थी जिस वैन में. अच्छा वैन में. वो यहाँ पे कैसे आ गई? 5 साल तक वो वैसी पड़ी हुई थी वहीं पे पड़ी हुई है. हाँ तो किसी ने ऐसी कूड़े में डाल दी ना वो. अच्छा बाहर कैसे आगे पता चलेगा? पता चल गया. बताने चाहता हूँ. बता. एक ना चूहा था. अच्छा देखा. मैंने भाई मैंने चूहा रैंडमली उस वैन पे चढ़ा. उसने ऐसे चलते चलते वो कुछ बटन दबाए स्पेसिफिक वही सेट वही सीक्वेंस में और वो बाहर आ गया. ओह माय गॉड. Oh my god, I'm so done with this bullshit. Not even kidding. कुछ बेटर है क्या तुम्हारे पास दिखाने के लिए इससे? मैं खत्म करूँ यार इंडिया. क्या चल रहा है ये literally? तो अभी तो ये क्वांटम से बाहर आया. अब ये आगे के बहुत सारी वीडियोस हैं. ये जाता है फिर हाँ कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो के पास. वो लोग नहीं मरे? नहीं वो नहीं मरे. स्नैप से नहीं. Scott, are you okay? Yeah. Have either of you guys ever studied quantum physics? Only to make conversation. All right, so, 5 years ago, right before Thanos, I was in a place called the Quantum Realm. The Quantum Realm is like its own microscopic universe. To get in there, you have to be incredibly small. Hope. She's my daughter. Energy extract karne quantum. क्यों स्टार्ट करने के बारे में? She was my कुछ क्वांटम हीलिंग पार्टिकल्स थे. She was supposed to pull me up and then Thanos happened and I got stuck in there. Medically sorry, that must have been a very long 5 years. Yeah, but that. तो इसको अब ये समझाता है कि मैं 5 साल पहले वहाँ पे रेल में गया जो 3 बंदूकों मेरे को निकालना था उस स्नैप में चले गए तो मैं 5 साल से वहाँ पे फंसा हुआ था. बट एक्चुअली क्योंकि मैं क्वांटम रेल में था मेरे लिए 5 साल नहीं बीते. मेरे से 5 घंटे बीते. तुम्हारे लिए 5 साल हुए. मेरे से 5 घंटे हुए क्योंकि ये टाइम वोटेक्स में फंस गया था. टाइम वोटेक्स के थ्रू ये 5 साल फ्यूचर में आ गया और मतलब 5 घंटे लग गए इसको टाइम वोटेक्स में फंस के निकलने में और ये फिर बाहर आ गया इस वाले 5 साल बाद वाले में. ओके. तो फिर अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब अगर इसे फ्यूचर में मैं अगर आ सकता हूँ तो क्या पता हम उसका यूज़ करके हम पास्ट में चले जाएँ और क्योंकि अब बेसिकली दिस टाइम ट्रैवल तो हम थेनोस को रोक सकते हैं यूजिंग टाइम ट्रैवल. ये आइडिया देता है तो उन्हें लगता है कि हाँ अगर कुछ अगर पॉसिबिलिटी है अगर ऐसी हम लोग को ला सकते हैं तो हमें टाइम मशीन बनानी चाहिए. तो उन्हें चाय के पास जाता है मना कर देता है. वो जाते हैं ब्रूस बैनर के पास. वो बोलते हैं कि ये काफ़ी बड़ा रिस्क है अगर हमने टाइम मशीन बना भी ली हम टाइम ट्रैवल करके चले भी गए अगर कुछ गलत हो गया मेरे साथ तो मेरी कह रहा मेरी वाइफ अब उसकी वाइफ और उसकी बच्ची कह रहा मैं 5 साल पहले मैंने ऑलमोस्ट उनको खो दिया था. मैं उनको दोबारा वो रिस्क नहीं ले सकता. मना कर देता है. फिर हल्क के पास जाते हैं. हल्क बन गया बड़ा कूल बंदा. अच्छा ये बना देता है टाइम मशीन. Working, right? I have no idea, but we're talking about time travel here. Either it's all a joke or none of it is. We're good. Get your helmet on. Scott, I'm gonna send you back a week.
Let you walk around for an hour, then bring you back in 10 seconds. Make sense? Perfectly not confusing. Good luck, Scott. You got this. You're right. I do, Captain America. On a count of three. Three. Two. One. Guys? You go up. This doesn't feel right. What's that, going on? Batanga. That's Scott? Yes, it's Scott. Okay, okay. My back. It's like, what is this? Can I get a little space here? Yeah, yeah, just yeah. Gotta get bring up. It back? I'm working on it. It's a baby. It's Scott. As a baby. He'll grow. Bring Scott back. When I say kill the power, kill the power. Oh my God. Somebody peed my pants. उसने एक इम्परफेक्ट टाइम मशीन बना ली, ठीक है, इसको तो यूज कर नहीं सकते हैं। अब आते हैं टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क सोचते हैं चलो एक ट्राई करते हैं कि क्या पता टाइम मशीन बन जाए। ये इम्पोर्टेंट सीन है। One last sim before we pack it in for the night. This time in the shape of a Mobius strip, inverted, please. Mobius strip. Give me that eigenvalue, that particle factoring in spectral decomp. That'll take a second. Just a moment. And don't worry if it doesn't pan out. I'm just kind of. ये मोबियस स्ट्रिप का वो टाइम ट्रैवल में अप्लाई करता है और अपने एआई को बोलता है कि इस मॉडल को रेंडर करो, मतलब अप्लाई करो थ्योरेटिकली. क्या अप्लाई करता है? मतलब क्या एग्जैक्टली होता है? मूवी स्ट्रिप कैसे अप्लाई आगे जाके वो हेल्प पर एक्सप्लेन करता है, बता देता हूँ. मूवी स्ट्रिप को वो अप्लाई करवाता है और बोलते हैं कि इस मॉडल को थ्योरेटिकली अप्लाई करो, अगर और नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं. और वो ट्राई करती है, जो भी एआई होती है, हार मॉडल सक्सेसफुल, ठीक है. वो हैरान होता है कि फिर टाइम ट्रैवल ढूंढ लिया उसने. तो फिर अब ये जाता है हल्क के पास, उसको बोलते हैं कि तुम गलती कर रहे थे, तुम स्कॉट को टाइम के थ्रू नहीं भेज रहे, तुम टाइम को स्कॉट के थ्रू भेज रहे थे, तो तुमने उल्टा कर दिया था, इसलिए वो थोड़ा बुढ़ा हो जाता, बच्चा हो जाता, ठीक है. मैंने परफेक्ट कर लिया टाइम मशीन को, तो मेरे पास आ जाता है, सारे उसके पास आ जाते हैं. फिर ये उसको बोलते हैं कि एक्चुअल में जो बाकी टाइम ट्रैवल मूवीज है, जैसे बैक टू द फ्यूचर देखे तुमने, तो बाकी मूवीज़ में क्या होता है कि वो बोलते हैं कि हम पास्ट में जाएंगे, जो भी गलती करें उसको ठीक करेंगे, उस गलती से जो भी रिपल फैक्टर होगा वो, मतलब बटरफ्लाई इफेक्ट जो होता है, उससे फिर हम फ्यूचर में जब आएंगे तो सब कुछ ठीक हो रखा होगा. कि जैसे फ्यूचर में हमने किसी को मारा था तो फिर वो जिंदा होगा आदमी, उसने जो भी अच्छे काम करने थे वो कर लेगा, या जो भी बुरे काम करने थे वो करेगा, ऐसे ऐसे. बट इस बार ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सब मूवीज गलत थी, वो तो फिक्शनल थी. इसमें एक्चुअल में टाइम ट्रैवल ये एक्सप्लेन करते हैं कि अभी हम प्रेजेंट में हैं, जब हम अपने पास्ट में जाते हैं तो ये जो हमारा प्रेजेंट है हमारा पास्ट बन जाता है, और जो हम पास्ट में गए वो हमारा फ्यूचर बन गया. तो हम पास्ट को कभी चेंज नहीं कर सकते, हमारा प्रेजेंट पास्ट बन चुका है, तो ये कभी चेंज नहीं होगा. और जो भी हम उसमें करेंगे ना, तो एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी. सही बता रहे. हाँ, वो ब्रांच टाइमलाइन चेंज हो जाएगी, और जब हम अपने यूनिवर्स में वापस आएंगे, हमने पास्ट में जो भी किया होगा हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा. तो ये सब दैट एक्चुअली मेक सेंस. आई एम एक्चुअली इंप्रेस्ड कि इन लोगों ने इतना भी सोचा इस बारे में. Ant-Man को देखने के बाद, I couldn't have expected half of what they have done in this movie. Like, I'm not really kidding. Like, actually, बहुत अच्छा काम है ये. Like, it one of the most prominent theories में से आती है कि like तुम्हारा जो past future वाला scenario है, वो कैसे तुम्हारी timelines को change कर सकता है. And just this hypothesis कि वो branch हो गए तो तुम दूसरी branch में पहुंच जाते हो और तुम्हारी जो normal वाली जो वो है वो वैसे ही continue होती है. वो actually बहुत ज़्यादा plausible है. If time travel is possible, which in itself is a far-fetched concept. I won't even say reality, but okay. So basically यही idea था कि वो time travel करते हैं और उसके अंदर ये timelines branch हो जाती हैं. That actually makes sense. I might even pass this one too. Like सोचने दे मुझे. कहीं ना कहीं तो गलती तो देख बहुत सारी हैं. पहली बात तो quantum realm में जाके कुछ भी करना is impossible. Time vortex and whatever the Ant-Man is stupid. Yeah. Let's just ignore all of that part. Like, अगर उस basis पे कहना कि well,
एंटमैन क्यों, ये पूरी इनका बेसिस ही इसके ऊपर बेस्ड है, एंटमैन के बेसिस पे ही जा रहे थे कर रहे थे सारी इनकी जो आर्ग्यूमेंट है वो एंटमैन के बेसिस पे बेस्ड है. एंड एंटमैन इन इटसेल्फ इज लाइक, मतलब तुम लोग कोई लैंग्वेज डेवलप कर रहे हो और उसके जो बेसिक अल्फाबेट्स है वही हिले हुए हैं, उसके बेसिस हिले हुए हैं, सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट गो एनी फर्दर विद दैट लैंग्वेज, राइट? तो अगर उस बेसिस पे देखो तो ऑब्वियसली द होल थ्योरी इज फॉल्स, बट देयर एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम ट्रैवल एंड हाउ टू इंटरप्रेट इट टू द ऑडियंस, आई थिंक दैट वाज स्टिल कमेंडेबल. उसके अलावा लाइक द होल थ्योरी एंड हाइपोथेसिस बिहाइंड इट वाज एंटमैन के जो नॉट पॉसिबल पार्ट्स हैं वो यही है ना कि उसकी एग्जिस्टेंस ही इम्पॉसिबल है उस बंदे की, और टाइम ऐसे कोई कोई फ्लूइड नहीं है जो हमारे इसके अंदर फ्लो करता है, दैट टू इन इटसेल्फ इज अ डायमेंशन. मतलब हाँ कह सकते हैं कि लाइक जो डायरेक्टर है उसके इमेजिनेशन पे काफी ज्यादा हद तक डिपेंड करता है क्योंकि वो एक अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है. बट ये वैसे ही हो जैसे इंटरस्टेलर में वो वाला सीन था ब्लैक होल वाला, कि वो इवेंट होराइजन के पार जाके क्या हो रहा है, दैट इज कम्प्लीटली लाइक डायरेक्टर की फिक्शन के बेसिस पे. तो अगर उस परस्पेक्टिव से देखें तो हाँ लाइक आई कैन स्टिल गिव इट अ गो कि मतलब फिजिकल परस्पेक्टिव से प्रॉबेबली वो नहीं हुआ होगा. अगर इन इंटरस्टेलर जो ब्लैक होल के अंदर इवेंट होराइजन के पार जब जाता है वो ब्लैक होल के, like 99% like probability यही है कि except for him being teared apart कुछ ज़्यादा नहीं होगा, but still because हम लोगों ने actually वो world explore नहीं कर रखे तो उसको disprove करना काफ़ी मुश्किल है. तो अगर उस perspective से देखें तो I think still वो commendable है कि हाँ ठीक है मान ली तुम्हारी बात, क्योंकि हम लोग disprove नहीं कर सकते. But at the same time this is much less probable like as an implication of the quantum world than what the standard मॉडल प्रेडिक्स, मतलब उसकी जो प्रेडिक्शंस हैं कि लाइक ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग चले तो ऑब्वियसली दिस इज फॉल्स. बट क्योंकि वो वेल एक्सप्लेन नहीं है, दैट अगेन इज जस्ट अ थ्योरी जिसका कोई हमारे पास प्रूफ या एंटीथेसिस नहीं है. सो आई गेस आई मीन करना नहीं चाहिए, बट लाइक फिजिक्स पर्सपेक्टिव से तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे है, बट लाइक स्टिल combining it with art too, I think it can get a pass. So that was that. इसके साथ ही हमारी दोनों के एंड पे आती है और ये डिस्कशन के एंड पे आती है. बहुत मज़ा आया एक्चुअली, लाइक काफ़ी ज़्यादा शायद तुम लोगों को जानने को मिला, मेरे को भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली अबाउट द यूनिवर्स विच कैन नॉट एग्जिस्ट. कंक्लूजन क्या लोगे तुम लोग इससे और मैं क्या लूँगा? Keep watching super universe. क्यों exactly क्यों, that this is one of the main reasons why I don't watch superhero movies at all. Not everything you watch is logical. I mean अगर वो see obviously it shouldn't be logical, but if you are going ahead to represent like parallel universes and calling them dimensions, और या फिर तुम उसी समय पे time vortices, चलो ठीक है time vortices भूल जाओ, quantum world में जो भी वो कर रहे हैं वो करने दो, और तुम एक पिम पार्टिकल अपने आप को बताते हो और उसके बेसिस पे तुम वो कहते हो कि लाइक सिर्फ एटॉमिक डिस्टेंस कम हो रहा है, और उसके बेसिस पे तुम खुद ही कह रहे हो कि हम लोग एक एटम के रेडियस से कम में एक पूरे बंदे के नंबर ऑफ एटम्स को इनकल्केट कर सकते हैं. उसके बियॉन्ड फ्लैश के अंदर तुम लोग लाइक प्लेन सिंपल वे में पूरे स्पेशल रिलेटिविटी की मार रहे हो. सुपरमैन के अंदर भी तुमने वो वाला दिखा था, उसके अंदर भी मार ही जा रहा है अर्थ को मार रहा है, बताओ. So like all of that is kind of misleading. Like what I'm saying is ki haan pop culture mein science tum log use karo, that's not bad, science fiction use karo, but again the point at which they start misinterpreting it and using like just cool sounding words in a very wrong way, wo bahut annoying ho jata hai mere liye. Tum mat dekha karo, confusion ye hai ki movies dekho iske sath mat dekho. Ya believe mat karo. बिलीव मत करो. हाँ मतलब हाँ ठीक है, अगर तुम्हें भेजा घर पे रख के आ गया था तो हम हाउसफुल 3 भी देख सकते थे, मतलब ठीक है ना, मतलब उसके अंदर फिर 100 million डॉलर्स नहीं लगाने चाहिए की जरूरत थी ना उसके अंदर. बट एनीवेज यार दैट्स बेसिकली प्रीटी मच इट आई गेस. काफी मजा आया ये वीडियो बनाने में. मे बी वी विल डू अनदर कोलैबोरेशन सून. और क्या आता तुम लोगों को
और किसके में आ सकते हैं और क्या था पता नहीं कोई नहीं देख लेंगे मे बी अ ट्रैवल ब्लॉग चलो मेरे साथ आईआईटी गुवाहाटी चलो आईपी यूनिवर्सिटी से बहुत ओवरवेल्म हो चुके हैं और मिसलीड कर रहे हैं तुम मेरे ऑडियंस को एनीवेज वेल दैट्स प्रीटी मच इट आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो टू अभी मैं आईआईटी गुवाहाटी जा रहा हूँ मैंने पिछले वीडियो में बोला था सो आई मेक अ ब्लॉग अबाउट इट सो इफ यू वांट टू टेक अ लुक एट दैट ब्लॉग इट शुड बी कमिंग रियली सून तो लाइक अगर वो देखनी है और लाइक दूसरे कंटेंट देखना है आपको लाइक साइंस स्पेस से रिलेटेड सो डू सब्सक्राइब टू चैनल एंड ऑल्सो टेक कभी 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 बना ही लेता हूँ पहले करता था बट ओके Anyways, so that's that. Thank you so much for watching. Hit the thumbs up button if you enjoyed watching the video. Tell me in the comment section below what you felt about it. Links to our Instagram IDs are all in the description. Inko jitna maarna hai, gandi tarah hai, DC aur Marvel ko comic universes ko represent karne ke liye, inko bahut galiyan sunana. One last thing, the idea was this. Meko content chahiye. Meri galti nahi hai iske andar. Satark rahe, surakshit rahe. Thanks for watching.